हेलो एवरीबडी आवाज आ रही है क्या सभी को मेरी सब सबको को आवाज आ रही okay. है क्या मेरी एम आई ऑडिबल टू यू ओके ठीक है ठीक है सो ये हमारी आज पहली मीट है नीट पीजी 2024 काउंसलिंग के लिए जो गूगल मीट है वो पहली फर्स्ट मीटिंग है सो so ऑबियसली बहुत सारे क्वेश्चन होंगे बहुत सारे डाउट्स होंगे जो आपको क्लियर करने होंगे सो so, हम पहले डिस्कशन करेंगे कुछ बेसिक जो मेन टॉपिक है उसे लेकर के एंड देन वी विल प्रोसीड ऑन योर क्वेश्चन ऑन योर डाउट जिस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो बेसिकली है काउंसलिंग प्रोसेस सबसे पहले हम काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है हमें एट द टाइम ऑफ एडमिशन एज वेल एज वाइट डूंग टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एज वेल क्या किन 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 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है दैट ऑल्सो वी विल गोइंग टू डिस्कस सबसे पहले डॉक्यूमेंट की ही बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी तक क्या क्या लिस्ट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर अस रिक्वायर एट पीजी एज वेल एज एज एडमिशन जो भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप पे चेक कर लिया होगा बहुत सारे स्टूडेंट ने कर लिया होगा उसमें बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने नहीं भी किया होगा सो so बेसिकली सबसे पहले तो ये जान लेते कि क्या किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है हमें और उसके बाद हम आएंगे कि काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो काउंसलिंग प्रोसेस किस तरीके से अभी तक 2023 तक चलती आई है और इस बार क्या चेंजेस हमको देखने को मिल सकते हैं 2024 काउंसलिंग में राइट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो तीन तीन बेसिक स्टेप्स है तीन बेसिक स्टेजेस हैं जिसमें काउंसिलिंग काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट या एडमिशन अड़, के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिवाइड है एक फर्स्ट स्टेज स्टेज जो है वो है हमारी नीट पीजी की डॉक्यूमेंट नीट पीजी की डॉक्यूमेंट मतलब क्या हो सकती है नीट पीजी का हमने एग्जाम दिया तो ऑब्वियसली एडमिट कार्ड दैट इज अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट वो हमारे पास होना चाहिए दूसरी डॉक्यूमेंट क्या हो सकती है रिजल्ट आई रिजल्ट आई तो हमारे पास उसकी रैंक कार्ड होगी स्कोर कार्ड होगी सो दैट इज द सेकेंड डॉक्यूमेंट जो हमारे पास नीट पीजी की अभी तक अवेलेबल होनी चाहिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है और इसके बाद जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ऑब्वियसली वी विल बी फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म तो जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देंगे उसकी हमारे पास एक कॉपी होनी चाहिए दैट इज द थर्ड डॉक्यूमेंट विच इज अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो हमारे पास होनी चाहिए जिस भी अगर हम स्टेट की एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो स्टेट की फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म की जो एक कॉपी है वो हमारे पास होनी चाहिए प्रिंट uh, में होनी चाहिए आई I मीन mean, प्रिंट आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो या तो फिर सॉफ्ट कॉपी रख सकते हो होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन उसकी जरूरत पड़ेगी हार्ड कॉपी लेकर के जाना रहेगा सो so, ये तीन बेसिक डॉक्यूमेंट है जो हमें नीट पीजी से जरूरत पड़ेगी और जब हम आगे चलेंगे जब हम हमको सीट अलोकेट होगी अलॉट होगी तो जो अलॉटमेंट लेटर पब्लिश होगी जिसमें ये मैंशन रहेगा कि हमको कौन सी सीट कौन से कॉलेज में अलॉट हुई है वो अलॉटमेंट लेटर वो लेटर हमारे फोर्थ so, चले तो एमबीबीएस की जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमारी सेकेंड स्टेज है जिसमें एमबीबीएस के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए अब एमबीबीएस के डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो एमबीबीएस की सारी मार्कशीट हमारे पास होनी चाहिए मार्कशीट के अलावा हमारे पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो सकता है जो हमको हमारे कॉलेज से मिलती है इंटर्नशिप सर्टिफिकेट इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए ऑब्वियसली जो इंटर्नशिप कंप्लीशन डेट होगी वो फिफ्टीन ऑफ ऑगस्ट से पहले या फिफ्टीन ऑफ ऑगस्ट की डेट होनी चाहिए उसके बाद की डेट नहीं होनी चाहिए इंटर्नशिप कंप्लीशन डेट उसके बाद फिर हमारे पास जो है इंटर्नशिप के अलावा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग स्टेट स्टेट काउंसिल का हो सकता है या तो फिर एनएमसी का हो सकता है नेशनल मेडिकल काउंसिल का हो सकता है मतलब सेंट्रल का भी हो सकता है किसी स्टूडेंट के पास किसी स्टूडेंट के पास अपने अपने स्टेट का भी हो सकता है अच्छा इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि क्या हम किसी स्टेट की काउंसलिंग को अटेंड करते हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन हमारा अगर उस स्टेट का नहीं है तो क्या हमें पहले उस स्टेट का रजिस्ट्रेशन कराना होगा नहीं ऐसा नहीं है अभी कहीं की भी किसी भी स्टेट की आपके पास रजिस्ट्रेशन है या एनएमसी एमसी की रजिस्ट्रेशन है काउंसलिंग अटेंड करने के लिए आपको जिस भी स्टेट की काउंसलिंग आप अटेंड कर रहे हो या आपको सीट मिलती है उस स्टेट का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं है मैंडेटरी नहीं है आपके पास सिर्फ तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए वो स्टेट मेडिकल काउंसिल किसी भी स्टेट मेडिकल काउंसिल का हो सकता हो सकता है आपके पास महाराष्ट्र का हो हो सकता है एनएमसी का सेंट्रल का हो हो सकता है उत्तराखंड का हो हो सकता है हिमाचल का हो किसी भी स्टेट का होगा तो फिर एक बार जब हमको एडमिशन मिलेगी तब हम एनओसी लेकर के जिस स्टेट में हमको एडमिशन मिलती है वहां की हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू करवाएंगे सो तो अभी हमें इस

तो हम अगर कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हैं जो कि सिर्फ गवर्नमेंट में मिलती है गवर्नमेंट या कुछ कुछ स्टेट्स में जहाँ पे सेमी गवर्नमेंट की सीट है जैसे महाराष्ट्र में सेमी गवर्नमेंट की सीट है या फिर आ, हम यहाँ एम पी में सीट्स है सिमिलरली हम अगर राजस्थान जाते हैं तो वहाँ पे भी आई मीन जो प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें वहाँ के स्टूडेंट को ओ बी सी कैटेगरी या फिर दूसरे जो कैटेगरी है उनका बेनिफिट मिलता है तो जो भी अगर हम कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हैं तो उस कैटेगरी का हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए प्रॉपर कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए अब अगर हम ईडब्ल्यूएस uh, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और हमने अपने uh, हम हमने ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट लिया हमें ईडब्ल्यूएस से सीट मिली है तो इन दैट केस हमारे पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी जो होगा वो दो तरीके के होते हैं एक सेंट्रल का होता है एक स्टेट का होता है तो अगर हमको सीट सेंट्रल से मिली है एमसीसी काउंसलिंग से से मिली है, से है, मिली है 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 अगर अगर हमको हमको ऑल इंडिया कोटे 50 जो सीट सीट होती उससे तो हमारे पास ईडब्ल्यूएस बना हुआ सेंट्रल फॉर्मेट पे होना चाहिए स्टेट फॉर्मेट वाली सेंट्रल फॉर्मेट में नहीं चलेगी सो so, हमारे पास सेंट्रल फॉर्मेट पे ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होनी चाहिए फॉर्मेट क्या है जस्ट मैंने अभी जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाला है आप चेक कर सकते हो सिमिलरली अगर हम ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे तो सबसे पहले ओबीसी में एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए सिमिलरली अगर हमने हम स्टेट से बेनिफिट ले रहे अगर स्टेट काउंसिलिंग गवर्नमेंट सीट मिल रही है तो उसमें स्टेट फॉर्मेट पे वो बना हुआ होना चाहिए ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट अदरवाइज अगर हम सेंट्रल ऑल इंडिया कोटे से हमको सीट मिल रही है तो फिर हमारे पास जो फॉर्मेट होना चाहिए वो सेंट्रल का फॉर्मेट होना चाहिए अगेन ओबीसी एनसीएल सेंट्रल फॉर्मेट जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में दी गई है अभी शेयर तो उनके लिए भी जिनके पास जो भी कैटेगरी, कैटेगरी का बेनिफिट लेने वाले हैं और उनको लगता है कि ऑल इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट से उनको गवर्नमेंट सीट मिलेगी तो वो अपनी जो डॉक्यूमेंट है जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट फॉर्मेट और सेंट्रल uh, फॉर्मेट दोनों को प्रिपेयर कर करके आपको रख लेना है So, ये बात हो गई कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए और सिमिलरली पी डी कैंडिडेट्स के लिए भी एक फॉर्मेट है हालांकि हमारे पास ज्यादा पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट है नहीं बट स्टिल जो कैंडिडेट जो पीडब्ल्यू डी सर्टिफिकेट है वो मेंशन की गई है वो फॉर्मेट शेयर की गई है सो so आप उस पर आप, आप अपनी पीडब्ल्यू डी सर्टिफिकेट जो है वो इशू करवा ओके सो सर माइग्रेशन सर्टिफिकेट नेसेसरी हम आ रहे हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट पे हम आ रहे, हैं, आ रहे हैं बिल्कुल आ रहे हैं अब आते हैं कि इसके अलावा हमको क्या चाहिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट इज नॉट अडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर एडमिशन इट इज नॉट अ मेंडेटरी डॉक्यूमेंट दैट मीनस मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट तो करने हैं नॉट फॉर द एफ एम जी कैंडिडेट बट फॉर द स्टूडेंट हू है एमबीबीएस फ्रॉम इंडिया उनके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट मैडेट्री बट नॉट एट द टाइम ऑफ एडमिशन एडमिशन अगर आपकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आपकी एडमिशन कैंसिल नहीं होगी आपकी एडमिशन को कोई नहीं रोक सकता है ये जो है ओवरऑल रूल है राइट बट स्टिल आई वुड सजेस्ट यू की आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपने कॉलेज से निकालना है इश्यू करना है और उस डॉक्यूमेंट को भी आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन रेडी रखनी है अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होती है माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगी आपके एमबीबीएस कॉलेज या जहां से आपने एमबीबीएस किया है उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी से राइट दिस मीन्स कि आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज पे स्विच कर रहे हो यू आर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन यूनिवर्सिटी टूर अनदर यूनिवर्सिटी अब अगर इसमें हम बात करें कि एक स्टेट में ही अगर हम हमारी एमबीबीएस की भी कॉलेज है और सेम पीजी की कॉलेज भी हमें सेम स्टेट में सेम यूनिवर्सिटी में मिल रही है तो क्या हमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत है इसकी जो डेफिनेशन है इसी में इसका आंसर है व्हाट इज माइग्रेशन माइग्रेशन सर्टिफिकेट व्हेन यू आर माइग्रेटिंग व्हेन यू आर स्विचिंग फ्रॉम वन बोर्ड वन यूनिवर्सिटी टू अनदर यूनिवर्सिटी तब माइग्रेशन की जरूरत पड़ती है अगर आपका यूनिवर्सिटी चेंज नहीं हो रहा है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू कराने की कोई जरूरत नहीं है वो सेम यूनिवर्सिटी में ही अल्टीमेटली उसको होके जाके सबमिट होना है तो सेम यूनिवर्सिटी में ही वो रह जाएगा ओके okay, सो so अब कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट पहले ही दे देते हैं मतलब आप अपने कॉलेज में पता कर लोगे कि क्या हमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल सकती है अगर मिल सकती है तो आप निकाल लोगे बट कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो अलॉटमेंट लेटर को देखते हैं चेक

एलिजिबल हो उस बोर्ड में एडमिशन लेने के लिए सो so, वो जो सर्टिफिकेट है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट वो आपको कहां से मिलेगी जिस बोर्ड में आपका एडमिशन होने जा रहा है मतलब अलॉटमेंट लेटर में कोई एक्स वाई जेड कॉलेज आएगी फॉर एग्जांपल, के बोर्ड में हम के जो अथॉरिटी कर्नाटक की वहां पे जाकर के हमको एडमिशन कोई कॉलेज मिलती है एक्स वाई जेड मिलती है मान लेते हैं रमैया मिलती है या फिर सेंट जॉन वगैरह कुछ भी मिलती है तो वो क्योंकि बैंगलोर की बोर्ड है आई मीन कर्नाटका की बोर्ड है ना आर यू एच एस बोर्ड है तो राजीव गांधी आर जी आर जी यूएचएस राजीव गांधी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी है तो उस यूनिवर्सिटी में हम अपने एमबीबीएस के डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे सारी मार्कशीट uh, लेकर के जाएंगे साथ में अलॉटमेंट लेकर के जाएंगे अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे और उस यूनिवर्सिटी से हमको इश्यू करवाया जाएगा इशू किया जाएगा हमें मिलेगा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट हम लेकर के जाएंगे और अपनी एडमिशन वाले जो कॉलेज है उसमें सबमिट करेंगे सो ये भी अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है इसके वजह से भी आपकी जो एडमिशन है वो नहीं रुक सकती है राइट right. तो ये भी आपको ये मान के चलना एक बार जब अलॉटमेंट हो जाएगी तो उसके बाद ही ये जो स्टेप है ये स्टार्ट करना है। क्योंकि राइट नाउ वी डोंट नो कि कौन सी यूनिवर्सिटी में हमको एडमिशन मिलने जा रही है राइट right? एक्चुअली में ये हमें पता है क्योंकि हमें इसलिए पता है क्योंकि हमने आपस में कुछ डिस्कशन किए हैं कि ठीक है हमको यहां मिल सकती है यहां मिल सकती है यहां मिल सकती है बट एग्जैक्टली कौन सी यूनिवर्सिटी में मिलेगी ये फिलहाल अभी किसी को मालूम नहीं है सो ये जो है वो अलॉटमेंट के बाद की

ये हम हमको रेडी हमको रख लेनी है कोई डाउट होगा तो आपको पूछ भी लेना है कॉल करके और अब इसके बाद अगर हम बात करें तो काउंसलिंग पे आते हैं अभी हमारे बीच जो सर्कुलेट हो रही है स्केड्यूल वो है एमसीसी की स्केड्यूल हालांकि वो स्केड्यूल ऑफिशियल अभी तक भी नहीं हुई है बट स्टिल कुछ कुछ है इंटीमेशन कुछ इंडिकेशन है जिसे हमें ऐसा लगता है कि वो ट्वेंटी से ही होगी बट उसके डिले होने के पीछे भी रीजन है कि अगर कोर्ट केस जो आंसर की रिलीज करने की कोर्ट केस है वो कोर्ट केस की भी जो डेट नेक्स्ट ईयरिंग की डेट रखी गई है वो है ट्वेंटी सेप्टेंबर की सो so, अगर सुप्रीम कोर्ट को इस कोर्ट केस में कुछ भी पॉजिटिव दिखता है और उन्हें लगता है कि इस कोर्ट केस को सुनना चाहिए समझना चाहिए और जो स्टूडेंट के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है और उसका इम्पैक्ट बाकी लोगों पर नहीं पड़ेगा पब्लिक पर नहीं पड़ेगा तो वो ऑर्डर ट्वेंटी को ही दे सकती है जो भी ऑर्डर दे चाहे वो गवर्नमेंट के फेवर में दे एनबी के फेवर में दे या फिर वो स्टूडेंट के फेवर में दे जो भी फेवर दे जो भी फे, आ, फे, जिस भी फेवर में डिसीजन दे वो सुप्रीम कोर्ट दे सकती है अब हमें क्या लगता है हमें ये लगता है कि इस कोर्ट केस का बहुत ज्यादा जो है इस पे सुनवाई या इसके वजह से काउंसलिंग को डिले नहीं किया जा सकता रीजन क्या है कि अगर वी आर ऑलरेडी डिलेड हम ऑलरेडी लेट चल रहे हैं अगर और सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस कोर्ट केस के वजह से इसे और ज्यादा डिले किया तो होगा क्या कि पीजी एडमिशन रुक जाएंगे मतलब जो डॉक्टर्स पीजी में एडमिशन लेने वाले वो रुक जाएंगे और जो सर्विसेज हैं वो कहीं ना कहीं हेम्पर होगी और डॉक्टर्स की सर्विसेज का हेम्पर होना मतलब पूरी जो मेडिकल सिस्टम है जो पब्लिक है इंडिया की वो उनके हेल्थ के ऊपर में वो वो, वो अटैक होगा राइट तो सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें एनबीई की गलती मानती भी है तो हो सकता है कि वो इसे नेक्स्ट ईयर के लिए ऑर्डर दे दे कि आप नेक्स्ट ईयर जो है इसमें ट्रांसपेरेंसी रखें आप आंसर की भी रिलीज कर दें ऐसा हो सकता है बट वो इससे इस काउंसलिंग काउंसलिंग को को इस को, इस सेशन को और डिले करने के फेवर में आंसर जो ऑर्डर है वो नहीं देगी जैसा मैंने बताया कि क्योंकि इसका इंपैक्ट जो है वो मास पब्लिक के ऊपर में पड़ेगा हेल्थ स्ट्रक्चर के ऊपर में पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा जब भी जजमेंट करती है तो उनके दिमाग में ये बात रहती है कि जो हम डिसीजन दे रहे हैं उससे पब्लिक का कितना जो है वो लॉस हो रहा है या पब्लिक को क्या फायदा हो रहा है तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे ऐसा लगता है कि जो काउंसलिंग है वो डिले नहीं होनी चाहिए हालांकि ये बात जरूर है कि अगर ये स्केड्यूल एमसीसी की लीक हुई है तो उन्हें ये अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल देना चाहिए अगर दो चार पांच दिन पहले ही वो डाल देंगे हो सकता है उनका स्केड्यूल होगा कि हम सो एंड सो तारीख को एक्स वाई जेड तारीख को अठारह को उन्नीस को जो है वो इसको अपलोड अपलोड करेंगे अगर आपने प्रिपेयर कर लिया है और आप अपने स्केड्यूल को लेकर के बिल्कुल सटीक हो सही हो तो बिल्कुल आप जो है इसे डाल सकते हो डालने में कोई बुराई नहीं थी आप डाल देते तो स्टूडेंट थोड़े और टाइम लेकर के वो प्रिपेयर रहते तो एमसीसी को ऐसा करना चाहिए था बट एज यू एज यूजल जो चीजें हैं वो हमारे लिए तो इमिडिएटली ही हो रही है सो so, अगर ये लीकड भी डॉक्यूमेंट भी है तो भी ये हो सकता है आज से कल तक में ये अपलोड हो जाए और अगर ये डेट गलत है तो तो फिर अभी तक इन्फॉर्म की नहीं गई है

जिसमें एडमिशन होती है दो तरीके की काउंसलिंग से देर आर टू टाइप्स ऑफ काउंसलिंग टू टाइप्स ऑफ काउंसलिंग मतलब एक सेंट्रल लेवल काउंसलिंग होती है और एक स्टेट लेवल काउंसलिंग होती है ये सिंपल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के तरीके से है ठीक है एक सेंट्रल लेवल काउंसलिंग की रूल सभी स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट ऑल इंडिया में है सबके लिए सेम होती है बट स्टेट काउंसलिंग की जो रूल होती है वो उस पर्टिकुलर जिस भी स्टेट काउंसलिंग की रूल है वो उस स्टेट की जो पब्लिक है जो कैंडिडेट्स हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग होती है वे जो दूसरे स्टेट की जो स्टूडेंट है उनके लिए उस स्टेट की रूल जो है वो अलग होती है सो so, स्टेट्स की रूल अलग 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 हो सकती है बट सेंट्रल की रूल सभी स्टूडेंट के लिए सेम होती है नौ सेंट्रल की रूल जो सेम होती है सभी स्टूडेंट के लिए उसमें कौन कौन सी सीट आती है उसके उसमें हम लोग कौन कौन सी सीट ले सकते हैं सबसे पहली बात है कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे वो आ, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हो कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं ईएसआईसी कॉलेजेस हो जो भी कॉलेज हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस उन सब की फिफ्टी परसेंट सीट जो है उसकी अलॉटमेंट सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू होगी और ये सेंट्रल काउंसलिंग जो है यही है वो एमसीसी जिसकी स्केड्यूल हमारे बीच सर्कुलेट हो रही है जिसे लेकर के हम अभी तक कन्फ्यूज हैं कि ये स्केड्यूल ऑफिशियल क्यों नहीं हुई है और जिसकी जो डेट है वो इस सर्कुलेटेड

गवर्नमेंट सीट्स ठीक है ये हो गया ऑल इंडिया कोटा फिफ्टी परसेंट अब एमसीसी में ऑल इंडिया कोटा फिफ्टी परसेंट के अलावा जो दूसरी कॉलेज रहती है वो है डीम्ड यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी कैसे है डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन कौन सी होती है जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है गवर्नमेंट के टर्म्स में वैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में सेल्फ कॉलेज सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस में जो सेंट्रल के अंदर कॉलेजेस आती है जो प्राइवेट कॉलेजेस सेंट्रल के अंदर आती है उसको हम डीम्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की हंड्रेड सीट जो होती है वो एमसीसी सी काउंसिलिंग के अंदर में आती है ठीक है ये दो तरीके के कॉलेजेस हो गए अब उन कॉलेजेस में डिग्री कोर्स भी हो सकती है डिप्लोमा कोर्स भी हो सकती है राइट अच्छा डिग्री डिप्लोमा की बात की एमडीएमएस और डिप्लोमा की बात एमडीएमएस और एमडीएमएस डिप्लोमा की बात हो गई हमने क्या बात की थी कि तीन तरीके के कोर्स होते हैं एक एमडीएमएस डिग्री एक डीएनबी डिग्री और एक डिप्लोमा है ना एक एमडीएमएस डिप्लोमा और एक डीएनबी डिप्लोमा तो एमडीएमएस डिग्री और एमडीएमएस डिप्लोमा तो ये ऑल इंडिया फिफ्टी परसेंट में आ गई इसके अलावा जो दूसरी कोर्स है वो क्या है डीएनबी डिग्री डी डिग्री जो सीट्स है उसमें भी जो मोस्ट ऑफ द सीट्स होती है वो ऑल इंडिया के अंदर आती है कुछ सीटें फाइव टू टेन परसेंट ऑलमोस्ट सीट्स जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है बट यहां पे एक क्वेरी है एक क्वेश्चन उठता है कि स्टेट में मतलब स्टेट किसी भी काउंसिलिंग को आप चेक करोगे उसकी कट ऑफ अगर आप देख रहे हो तो स्टेट से भी डीएनबी की सीट सीट हुई है है ये वही सीट है जो मैं बता रहा हूं कि कुछ सीटें स्टेट में रहती है बट स्टेट की जो डीएनबी की सीट होती है या डीएनबी डिप्लोमा की सीट होती है वो सिर्फ इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए ही होती है वो स्पॉन्सर्ड सीट होती है मतलब क्या है इन सर्विस या फिर स्पॉन्सर्ड का जिन्होंने थ्री uh, इयर्स की ड्यूटी मिनिमम परमानेंटली परमानेंट जॉब जिनकी हुई है और उन्होंने रूरल सर्विस किया है या फिर वो मेडिकल ऑफिसर्स वगैरह उनके लिए जिन्होंने साल की ड्यूटी गवर्नमेंट के लिए की है रूरल सर्विस में की है मेडिकल ऑफिसर्स जैसे होते हैं उनके लिए वो स्टेट में जो डीएनबी और डिप्लोमा की सीट आती है वो डीएनबी डिप्लोमा की सीट वो उनके लिए रिजर्व होती है मतलब स्टेट काउंसलिंग में जहां पे भी हमको डीएनबी या डीएनबी डिप्लोमा की सीट दिखेगी उसके कट ऑफ को हम कट ऑफ हमारे लिए तब तक वैल्यूबल नहीं है जब तक हम इन सर्विस कैंडिडेट नहीं है अगर हम नॉन इन सर्विस कैंडिडेट है तो वो हमारे लिए कोई फायदा नहीं है क्योंकि उस सीट पे वो नॉन इन सर्विस कैंडिडेट के लिए होती ही नहीं है वो इन सर्विस कैंडिडेट के लिए होती है उसी तरीके से अब डीएनबी में सीट अगर स्टेट से रिजर्व रहती है तो स्टेट में भी सीट जो है वो कुछ सीट uh, या परसेंट मार्क्स जो है वो इन सर्विस को दी जाती है वो थर्टी टेन परसेंट पर ईयर करके सीट uh, वो मार्क्स जो है वो दिए जाते हैं वो स्टेट की जब काउंसलिंग हम कवर करेंगे तो उसमें हम डिस्कशन करेंगे अभी हम बात कर लेते हैं कि ऑल इंडिया कोटे की एम की सो एमसी में एक तो हमने देखा कि एमडीएमएस डिप्लोमा की फिफ्टी सीट होती है दूसरी डीएनबी की ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नाइनटी सीट जो है वो डीएनबी की होती है और डिप्लोमा की होती है ये सीट होगी और जो सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस है उसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो है वो भी एमसीसी में आती है राइट आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज ये भी आपने देखा होगा आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेजेस के छह सात इंस्टीट्यूशन है हेडक्वार्टर पुणे में है इसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो ये भी एमसीसी के ही अंदर आती है इसका सिर्फ कुछ पार्ट रजिस्ट्रेशन पार्ट एमसीसी के अंदर आता है बाकी जो इसकी काउंसलिंग होती, होती है वो ऑफलाइन होती है वो ए एफ एम एस जो आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज की जो हेड क्वार्टर है पुणे में वहां पे जाकर के और तब वहां पे काउंसलिंग होती है वो काउंसलिंग ऑफलाइन होती है मतलब इसकी सीट आपको कभी ऑल इंडिया को टे फिफ्टी परसेंट में नहीं दिखेगी या एमसीसी की काउंसलिंग में इसकी सीट आपको नहीं दिखेगी आपको इसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है दैट मीनस कि जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे एमसीसी की तो हमारे पास ऑल इंडिया कोटा का ऑप्शन आएगा डीम्ड का ऑप्शन आएगा डीएनबी का ऑप्शन आएगा ए एफ एम एस का भी ऑप्शन आएगा ऑप्शन को भी हमको सिलेक्ट करना है अगर हमको ए एम एस कॉलेजेस में जाना है तो और जैसा मैंने बताया कि अब ए एफ एम एस बाकी की फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग होती है बट ए एफ एम एस की चॉइस फिलिंग इस पोर्टल पे एमसीसी के पोर्टल पे नहीं होगी क्यों क्योंकि ये ऑनलाइन काउंसलिंग कंडक्ट नहीं कराती है क्यों क्योंकि जो एफ एम एस की काउंसलिंग है वो पुणे हेडक्वार्टर में फिजिकल होती है फिजिकली ऑफलाइन होती है है उसके बेसिस पे जो है, वो सीट अलॉट होती है और जिस भी स्टूडेंट को को सीट अलॉट हुई उसकी कंप्लीट लिस्ट एमसीसी दे दी जाती है फिर एमसीसी उसको रिलीज करती है कि ये सभी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिनका ए एफ एम एस में जो ये ब्रांच मिली या जो भी ब्रांच मिली तो ये सारी चीजें जो है वो इस तरीके से होती है अब जब हमने जब हम एमसीसी सी की रजिस्ट्रेशन करेंगे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ये हम समझ गए कि कौन कौन सी सीट एमसीसी में रहती है कौन कौन सी सीट रहती है ऑल इंडिया कोटे की फिफ्टी परसेंट सीट मतलब जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी फिफ्टी परसेंट सीट उनकी डिप्लोमा भी होगी और डिग्री भी एमडीएमएस की डिप्लोमा भी होगी डिग्री भी डीएनबी की ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट सीट डीएनबी की डिप्लोमा भी होगी डिग्री भी होगी ठीक है एनबीए डिप्लोमा जो है वही डीएनबी की डिप्लोमा है ठीक है एनबीए डिप्लोमा और डीएनबी की सीट रहेगी तीसरी सीट कौन सी रहेगी डीम्ड यूनिवर्सिटीज मतलब सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस जिसकी फीस ट्वेंटी वन लैक से स्टार्ट होती है और एक करोड़ डेढ़ करोड़ तक भी जाती है वो एनआरआई सी जो है वो सब भी उसमें रहती है तो डीम यूनिवर्सिटीज उसमें आते हैं इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन है वो ए का भी हमको करना होता है इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी इसी में आएगी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वी एफ थ्री सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कौन कौन से ए एम यू डी यू एंड बी एच यू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड बी एच यू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अब जब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करते तो देखो एक बात समझने वाली है कि जब स्टेट कोटे की बात कर रहे हैं तो 50 परसेंट सीट तो यहां आ गई एमसीसी ऑल इंडिया कोटे के अंदर तो जो फर, बची हुई 50 है और सेंट्रल लेवल काउंसलिंग के लिए रूल जो है वो सभी स्टूडेंट के लिए रिमेनिंग जो, जो 50 परसेंट सीट है वो कहा देगी गई वो कर्नाटका स्टेट के पास रह गई वो फिर स्टेट काउंसिलिंग से स्टेट कोटा काउंसिलिंग से उसको फिल किया जाएगा महाराष्ट्र में जितने भी कॉलेजेस है हैं महाराष्ट्र में दो सौ सीट्स है फॉर एग्जांपल उसमें फिफ्टी परसेंट हंड्रेड हंड्रेड सीट्स जो है वो ऑल इंडिया फिफ्टी परसेंट में आ गई और रिमेनिंग हंड्रेड सीट कहां रहेगी वो स्टेट महाराष्ट्र स्टेट के पास रहेगी अब महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग उस पर कंडक्ट करा के उसको फिल देगी राइट तो ये तो सभी स्टेट्स की बात होगी लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो ये तीन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मैंने आपको बताया डी यू एमयेंट सीट तो ऑल इंडिया में आ गई क्योंकि ये भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं तो फिफ्टी परसेंट सीट तो ऑल इंडिया परसेंट में आ गई रिमेनिंग फिफ्टी परसेंट का क्या वो तो किसी स्टेट में आती नहीं है या उसका तो बेनिफिट किसी स्टेट में होता नहीं है स्टेट काउंसिलिंग से उसके अलॉटमेंट होती नहीं है तो रिमेनिंग फिफ्टी है वो इंटरनल कोटा में जाती है इंटरनल कोटा मतलब उन के लिए जिन्होंने उस institute से, Central University से, उस से 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 अपनी MPBS की है इंस्टीट्यूशनल कोटा मीन्स इंटरनल प्रेफरेंस पे दी जाती है फॉर एग्जाम्पल मैंने डीएमयू डीएमयू uh, मैंने डीयू के मान लेते मैमसी uh, इससे किया किसी एक कॉलेज लेडी किसी भी एक कॉलेज से किया मैमसी से किया या किसी से भी मैंने अपनी एमबीबीएस की अब मैंने जो मैमसी से एमबीबीएस की उसकी 50 सीट जो है पीजी में वो तो आ गई ऑल इंडिया के अंदर रिमेनिंग फिफ्टी परसेंट रह गई डी के पास अब मैं ऑल इंडिया कोटे फिफ्टी परसेंट से उसकी फिफ्टी परसेंट सीट को एक्सेस कर सकता हूँ और इंटरनल जो इंटरनल प्रेफरेंस होता है इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस इंटरनल कोटा होता है वो वो भी मुझे मिलेगा डीयू में जो फिफ्टी परसेंट सीट होगी वो मेरे लिए रिजर्व रहेगी मेरे 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 और मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए जिन्होंने डीयू से ही अपनी एमबीबीएस किया तो यहां पे जाकर के कॉलेजेस की जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्लियर ऑलमोस्ट होगी डाउट होगी तो पूछना है ठीक है बट अभी नहीं इसके बाद इसलिए मैंने म्यूट किया हुआ है नहीं तो आवाजें आती है ओके सो आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं एमसीसी काउंसलिंग मान के चलते हैं कि ट्वेंटी स्टार्ट होगी बीस तारीख से स्टार्ट होगी

स्टेप है फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना हमको रजिस्ट्रेशन करनी that, उसका मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, 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 करेंगे की, तो वहां पे दो तरीके के चार्जेस होंगे दो तरीके के चार्जेस होंगे मतलब अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई करते हो तो कम चार्जेस लगेंगे सिक्योरिटी फीस सिक्योरिटी डिपोजिट वो कम चार्जेस लगेंगे और जब हम डीम्ड यूनिवर्सिटी महंगे कॉलेजेस के लिए अप्लाई करेंगे तो हमारी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी महंगी लगेगी राइट गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है इसलिए इसके सिक्योरिटी डिपॉजिट भी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड की होती है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और ईडब्ल्यू एस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अगर आप दूसरे कैटेगरी से बिलोंग करते हो ओबीसी एस सी से तो बाई टू कर दीजिए बाय हाफ कर दो तो साढ़े बारह हजार होते हैं साढ़े बारह हजार रुपए आपको लगेंगे अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो बट जब हम डीम्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो क्योंकि उनकी फीस भी महंगी है तो उनके लिए एप्लीकेशन चार्जेस भी महंगे हैं वो एप्लीकेशन चार्जेस जो है फाइव थाउजेंड के हैं और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो टू लैख की है अब यहाँ पे एक वर्ड एक क्वेश्चन उठता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज पे कैटेगरी कंसिडर होती है किसी भी सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज में कैटेगरी कंसिडर नहीं होती है तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज में भी कैटेगरी कंसिडर नहीं होती है अगर आप एस सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या एस टी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी कैटेगरी से किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो आप सभी डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए जनरल कैटेगरी ही हो तो जब आप जनरल कैटेगरी हो तो सभी स्टूडेंट को चार्जेस भी सेम लगेंगे विच इज टू लैख रुपीज टू लाख रुपीज फॉर सिक्योरिटी अमाउंट और फाइव थाउजेंड रुपीज की जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं सो टोटल तो अगर आप देखो तो टू लैख फाइव थाउजेंड रुपीज के चार्जेस जो है वो होते हैं फॉर यूनिवर्सिटीज अब जब हम अप्लाई करते हैं ना तो एक चीज नोटिस करने वाली है कि ऑल इंडिया कोटा के लिए हम पच्चीस हजार अलग देंगे ए एफ एम एस के लिए पच्चीस हजार अलग देंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए पच्चीस हजार अलग देंगे क्या ऐसा हम अलग अलग हमको देना पड़ेगा नहीं ऐसा नहीं होता सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए अगर आपको अप्लाई करना है डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर आपको कोई एक ही अमाउंट पे करनी है आपने अगर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पे किया है सिक्योरिटी अमाउंट तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज को छोड़ करके जितने भी कॉलेजेस हैं चाहे वो डीएनबी है चाहे वो एनबी डिप्लोमा है चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहे वो ए है चाहे वो ऑल इंडिया कोर्ड ऑफ फिफ्टी सीट है उन सभी के लिए आप एलिजिबल हो आपको अलग अलग पेमेंट नहीं करनी है ऐसा नहीं कि ऑल इंडिया के, 25 के लिए अलग पच्चीस हजार पे कर रहे हैं फिर एफ एम एस के लिए अलग पच्चीस हजार ऐसे करते करते तो पता चला कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा महंगी हो गई तो वो नहीं सभी के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अगर हम अप्लाई नहीं करते सिर्फ गवर्नमेंट गवर्नमेंट डीएनबी डीएनबी के लिए करते हैं या डिप्लोमा के लिए या एनबी डिप्लोमा के लिए करते हैं तो हमको सिर्फ पच्चीस हजार लगते हैं और कैटेगरी के, के लिए साढ़े बारह हजार बट अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटी को भी इंक्लूड करते हैं तो हमको टू लैख फाइव थाउजेंड के चार्जेस लगते हैं अब उस टू लैख फाइव थाउजेंड में डीम्ड यूनिवर्सिटी तो आ ही गई साथ में इसके अंदर जो बाकी के कॉलेजेस हैं जो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड जिसके सिक्योरिटी मतलब गवर्नमेंट ऑल इंडिया कोटा हो गई डी हो गई गवर्नमेंट हो गई एनबी डिप्लोमा हो गया एमडीएमएस डिप्लोमा हो गया एमएस हो गया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई वो सभी भी इसमें आ जाते हैं वो कवर हो जाते हैं इसमें So, अगर आप हाईर अमाउंट पे कर रहे हो विच इज टू लाख रुपीज तो इसके अंदर आपके सारी काउंसलिंग कवर हो जाएगी एमसीसी की अगर आप लोअर अमाउंट पे कर रहे हो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो उसमें सारी काउंसलिंग कवर होगी सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ के ठीक है ये हो गई रजिस्ट्रेशन चार्जेस अब जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे एमसीसी की तो हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको अपलोड करना है एक्चुअली में एमसीसी के रजिस्ट्रेशन करते टाइम में हमें कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करनी एक भी डॉक्यूमेंट हमको अपलोड नहीं करनी होती है हमारा पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक डॉक्यूमेंट से कंप्लीट होता है वो है हमारा जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड लेकर के आप बैठोगे आप उसी में वो सारी इंफॉर्मेशन होगी जो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको चाहिए होता है सो so, आपको जो है रजिस्ट्रेशन सिर्फ एडमिट कार्ड से हो जाएगी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं नहीं रहेगी ओके बाकी की डिटेल्स जो है वो खुद फेच कर लेगा आपकी नीट पीजी वाली जो फॉर्म आपने बनी थी उससे वो कुछ हाफ ऑफ द डिटेल्स तो वो खुद ही फेच कर लेगा सो so,

हमारा मोटो क्या होगा हमारा किसी भी स्टूडेंट का या हमारा किसी का भी एज अ काउंसलर एज अ स्टूडेंट अगर हम सोचें तो सब का एक ही मोटो रहेगा कि हमको बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज मिले बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज मतलब जहाँ पे हैंड्स ऑन अच्छी हो जहाँ पे हमें सीखने को ज्यादा मिले बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज हमको मिल सके मतलब इंडिया की सबसे अच्छी कॉलेज अगर हमको मिल जाए तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा है यही तरीका होता है चॉइस फिलिंग का बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज को आपको ऊपर रखना है उसके बाद जो सेकंड नंबर का कॉलेज आपको लगता है है कि ये बेस्ट उसको हम पोस्ट के नीचे रखता है उसके बाद के थर्ड नंबर पे आपको अगर लगता है कि कोई एक्स वाई जेड कॉलेज बेस्ट है तो उसको रखना है लेकिन इसके साथ साथ एक पर्सनल रिक्वायरमेंट भी होती है पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या हम अगर महाराष्ट्र में रहते हैं तो हम महाराष्ट्र से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते हम साउथ में नहीं जाना चाहते या साउथ में अगर हम रहते हैं तो हम नॉर्थ में नहीं जाना चाहते क्यों क्योंकि पीजी में एमबीबीएस में हम फिर भी साउथ में जाकर के एक बार को हैंडल कर सकते हैं चीजों को बट पी में लैंग्वेज इश्यूज इज वन ऑफ द फैक्टर एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर तो हम ट्राई ये करते हैं कि अगर हम हिंदी बेल्ट रीजन के लोग हैं जिनको हिंदी बोलनी समझने अच्छी से आती है तो हम नॉर्थ में रहें और अगर हम साउथ बेल्ट के लोग हैं तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम तो हम प्रेफर करते हैं कि हम साउथ में रहें जिससे कि खैर साउथ वाले को हिंदी भी आती है इंग्लिश भी आती है तो वो नॉर्थ में भी आ, आ सकते हैं कोई बहुत बड़ी इशू नहीं होती है बट एक अपना ओपिनियन होता है एक रिक्वायरमेंट होती है कि हम अपने अपने स्टेट में हमको सीट मिल जाए दैट इज़ गुड फॉर अस हमको ज्यादा दूर जाने की जरूरत ना पड़े क्योंकि एक और चीज़ होती है बॉन्ड अब दूसरे स्टेट में हम जा रहे हैं तीन तीन साल की बॉन्ड मिल रही है तो ऑब्वियसली जो बॉन्ड है वो तीन साल अब हमको और वहां पे रुक के करना पड़ेगा रूरल सर्विस उसके बाद ही आएंगे तीन साल पीजी फिर उसके बाद तीन साल का बॉन्ड साल का ड्यूरेशन हो गया अपने आप में एक बार फिर से एमबीबीएस का टेन्यूर हो गया तो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है सो तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है बट इसके बावजूद कर क्या सकते हैं कर तो सीटें जो है वो मेरिट बेसिस पे ही अलोकेट होंगी मेरिट बेसिस पे अलोकेट होंगे मतलब पहले रैंक वन को मिलेगी फिर रैंक टू को फिर रैंक थ्री को ऐसे करते करते जब हमारा नंबर आएगा तब जो सीटें बची हुई है उस सीट उन सीटों में से हमको मिलेगी तो हमारे पास इतनी ज़्यादा सीटें भी नहीं है और बॉन्ड भी है तो हमें तो बेस्ट टू बेस्ट हो सकता है ना मिले मतलब कम बॉन्ड वाले सभी स्टूडेंट को तो मिलनी पॉसिबल नहीं है ये चीज़ हो सकता है तो इसलिए हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हैं कि हमको अच्छा कॉलेज मिले बॉन्ड थोड़ा रहे भी तो चलेगा ठीक है तो इस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है कि हमको हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट टू बेस्ट मिले जिससे कि ज्यादा क्वालिफाइंग क्वालिफाइड डॉक्टर्स हम बन के निकल सके चीजों को सीख के बाहर निकल सके और जब हम रियल टाइम में आए तो हम उस एक्सपीरियंस को उस लर्निंग को हम रियल टाइम में यूज कर सके ऑबियसली एक बात और ये भी है कि जब हम कॉलेज से निकलते हैं उसके बाद दो तीन साल का एक्सपीरियंस हम रियल टाइम में जब गेन करते हैं तभी जाकर के हमारी एक्चुअली जो है वो लाइफ स्टार्ट होती है प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होती है सो so, क्योंकि उसके बाद जाकर के ही हमें रियल एक्सपीरियंस होता है और हम रियल वर्ल्ड में चीजों को डील कर सकते हैं तो ये पार्ट भी जो है दो तीन साल बाहर निकल के जॉब करना सीखना वो भी एक

तो हम रैंक जो ऊपर के कॉलेजेस है वो नहीं डालेंगे बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम ऊपर के कॉलेजेस नहीं डालेंगे अगर आप ऊपर के कॉलेजेस डालोगे ही नहीं तो वो आपको मिल ही नहीं सकती आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे जिनमें आपको ये चीजें पता लगी होगी कि मुझे अच्छी कॉलेज नहीं मिली और मेरे पीछे वाले रैंक को अच्छी कॉलेज मिल गई ये क्यों होता है क्योंकि आप लिमिटेड चॉइस फिलिंग करते हो क्योंकि आप कट ऑफ देख के चॉइस फिलिंग करते हो क्योंकि आप सिर्फ उन दस कॉलेजेस को चॉइसेस में डालना चाहते हो जो आपको मिल सकती है आप उस टाइम में ज्यादा थोड़ी सी ज्यादा मेहनत आप नहीं करना चाहते हो अगर आप सारे कॉलेजेस को जो उनकी क्वालिटी वाइज है अगर आप सारे कॉलेजेस को डालोगे तो बाय लक ही सही किसी कॉलेज में कोई सीट बच करके अगर आप तक आ गई और वो आपको मिल गई तो वो आपके लिए बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी सिमिलरली क्या होता है कि बहुत सारे कॉलेजेस में ऑरिजेंटल भी सीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है जैसे जनरल की पीडब्ल्यू हो गई एस सी की पीडब्ल्यू डी हो गई वो सीट्स भी लास्ट में कन्वर्ट होकर के आती हैं अब आपने अगर उसको चॉइस फिलिंग में डाला ही नहीं है क्योंकि आपको लगता है कि वो कॉलेज आपको नहीं मिलेगी तो वो कॉलेजेस अगर कन्वर्ट होकर वो उन कॉलेजेस में अगर सीट्स कन्वर्ट होकर होके भी आ रही है तो वो आपको नहीं मिलेगी क्यों क्योंकि आपने तो डाला ही नहीं है तो चॉइस फिलिंग जो है हमेशा कभी भी ना शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करना है वो चॉइस फिलिंग क्या होगी वो हम भेजेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको करनी है बहुत लोग बोलेंगे कि कम करना है हमारा रैंक इतना है उतना है लेकिन नहीं वो चॉइस फिलिंग जो है जैसा हम आपको भेजेंगे वो चॉइस फिलिंग आपको उसके अकॉर्डिंग करनी है ये दूसरी स्टेप हुई चॉइस फिलिंग तीसरी स्टेप क्या होगी अलॉटमेंट ये अलॉटमेंट में हमारा कोई काम नहीं है अलॉटमेंट जो है वो एमसीसी करेगी दैट इज उनका एल्गोरिदम है वो मेरिट बेसिस पे सीट अलॉट करेगी और अलॉट करने के बाद वो रिजल्ट पब्लिश करेगी सो so, जो रिजल्ट पब्लिश करेगी उसमें हमारा अलॉटमेंट लेटर आएगा उसमें हमको पता लगेगा कि हमको कौन सी कॉलेज में कौन सी सीट मिलेगी है ना तो उससे हमको जो हमारी जो अलॉटमेंट मिलेगी फिर उसके ऊपर हमको डिसाइड करना है कि हमको इस कॉलेज में लेना है नहीं लेना है या लेकर के अपग्रेडेशन में जाना है क्या करना है वो उस टाइम का डिसीजन होता है अच्छा ये हो गई थर्ड स्टेप अलॉटमेंट फोर्थ स्टेप रिजल्ट अब जो भी सीट हमको मिलती है अलॉटमेंट लेटर आती है उस पर हमको एडमिशन लेना होता है एडमिशन लेने के लिए प्रोसेस क्या है आपको फिजिकली कॉलेज जाना पड़ेगा जो भी कॉलेज अच्छा है वो कितनी भी दूर है आपको जाना है उस कॉलेज में कॉलेज में जा करके सारे जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर के जाना है फोटोकॉपी लेकर के जाना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाना है वहां पे फर्स्ट ईयर की फीस पेमेंट करनी है और एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है एडमिशन प्रोसेस जो है वो इसके बिना ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो ही नहीं सकती आपको ऑफलाइन जाना ही होगा ठीक है वहां पे हो सकता है किसी कॉलेज में आपको बॉन्ड वाली एरिया मिली तो बॉन्ड साइन करना पड़े जो भी चीजें वो पूरी फॉर्मेलिटीज आपको वहां पे कंप्लीट करनी है तब जाकर के आपका जो है वो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है अब जब हमारा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया उससे पहले अब वो हो सकता है कि हमको हमारे मन लायक सीट नहीं मिली ये राउंड वन की बात हम कर रहे हैं हो सकता है हमको मन लायक सीट नहीं मिली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई हायर ब्रांच हमको मिली लोअर ब्रांच हमको उस ब्रांच में जाना नहीं है या गलती से हमने चॉइस फिलिंग में कुछ और ऐसे ब्रांच डाल दिए जो हमको नहीं लेना है ऐसी सिनेरियो भी हो सकती है तो जब राउंड वन काउंसलिंग की अलॉटमेंट आएगी रिजल्ट आएगी तो आपको पता लगेगा कि आपके मन की ब्रांच आपको मिली है या नहीं मिली है या आपके मन के ब्रांच के साथ साथ आपको आपके मन के कॉलेज या मन की स्टेट की कॉलेज मिली है या नहीं मिली मतलब आपको डिसीजन लेना होगा कि उस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है या नहीं लेना है अगर उस उस कॉलेज उस कॉलेज uh, वो कॉलेज जो है उस पर मुझे क्या करना है अब ये जो डिसीजन है ना इस डिसीजन पे डिपेंड करेगा आपका अपग्रेडेशन नाउ यहां पे तीन चीजें आप कर सकते हो पहली चीज क्या है आपको कॉलेज पसंद आई मान लेते हैं रैंक वन के लिए तो सारे कॉलेजेस सारे ब्रांचेस ऑप्शन ओपन है ठीक है तो उनको मिल भी जाएगी जो वो जो चाहेंगे वो उनको वो मिल जाएगी और उनको एकदम पहली सीट मिलेगी तो उनके लिए तो अपग्रेडेशन का को कोई मतलब ही नहीं है वो वहां से अपग्रेड करके कहा जाएंगे वो फॉर एग्जाम्पल सेट जीएस का मुझे रेडियो चाहिए मैं रैंक वन हूं तो मुझे सेट जीएस का रेडियो मिल गया अब वहां से अपग्रेड होकर के मैं कहाँ जाऊंगा वो मेरी टॉप की फर्स्ट फर्स्ट प्रेफरेंस थी वहां से अपग्रेड होकर के मैं कहीं नहीं जा सकता तो वो मेरी बेस्ट प्रेफरेंस मुझे मिल गई मैं उस पर एडमिशन ले लूंगा मुझे अपग्रेडेशन में जाने की जरूरत नहीं है है ना मुझे क्या करना होगा मुझे जाकर के ज्वाइनिंग करनी होगी ज्वाइनिंग करने के लिए डेट एम सी सी के तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से डीजीएचएस की तरफ से पब्लिश की जाएगी कि किस डेट से आपको ज्वाइनिंग करनी है मुझे अपग्रेडेशन में नहीं जाना है आई गो एंड ज्वाइन ठीक है ये हुई पहली सिनेरियो कि व्हेन वी आर फुल्ली सैटिस्फाइड विद आवर सीट अगर हमको एकदम मनचाही सीट मिल गई हमको एकदम अपनी ब्रांच मिल गई एकदम वही कॉलेज मिल गई जो हमारा ड्रीम कॉलेज है हमको अपग्रेड नहीं करना है तो हम अपग्रेडेशन में नहीं जाएंगे हम एडमिशन लेंगे और अपने जब भी जब की भी डेट आती है जो भी डेट आती है जॉइनिंग की उस डेट को जाकर के हम ज्वाइन कर देंगे oh okay ओके okay, सो so आगे बढ़ते हैं दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि हमको वो कॉलेज जो है वो पसंद नहीं आई मतलब ठीक है बिल्कुल भी पसंद नहीं आई उसपे हमको एडमिशन नहीं लेना है उस, उसमें क्या करना है कि अगर हमको उसमें एडमिशन नहीं लेनी है तो हम उसको फ्री एग्जिट ले सकते हैं फ्री एग्जिट मतलब कि हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है ना कॉलेज जाने की जरूरत है ना कॉलेजेस में जाकर के किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत है हम उसको सिंपली छोड़ सकते हैं हमको कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगी दैट इज अ फ्री एग्जिट ठीक है अगर हमको छोड़नी है सीट तो एक हमारे पास कंडीशन आ सकता है कि फिफ्टी फिफ्टी हम ले लेते हैं और बेटर सीट के लिए हम मतलब ठीक है सीट मिल गई अब बेटर सीट के लिए हमको ट्राई करना है तो उसके इसमें हमको क्या करना है कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है और फिर अपग्रेड करना है अपग्रेड बिना कॉलेज में एडमिशन के नहीं होगा अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं ठीक है कॉलेज मिल गई अब अपग्रेड में जाएंगे तो नहीं पहले आपको एडमिशन लेनी होगी तभी वो अपग्रेड होगी और अब उससे क्या होगा कि जब आप अपग्रेडेशन में जाओगे तो फर्स्ट सीट जो है वो आपकी तब तक रिटेन रहेगी तब तक वो आपसे नहीं छूटेगी जब तक आपको कोई दूसरी सीट मिल नहीं जाती अगर आपको दूसरी सीट अपग्रेड होकर के अपग्रेडेड सीट मिलती है

हमको दोबारा से वो कॉलेज ना मिले क्योंकि वो कॉलेज ऑलरेडी हमारे पास है उससे ऊपर के जो कॉलेजेस है वो बनेंगे जिससे कि उससे बेटर सीट्स के लिए हम जा सके सो दिस इज अपग्रेडेशन प्रोसेस अब जो अपग्रेडेशन प्रोसेस है वो 2020 ट्वेंटी तक टू टू राउंड तक ही हुआ करते थी। बस 2023 से क्या हो रहा है कि दो बार अपग्रेडेशन का मौका दिया जाता है मतलब राउंड वन में कोई सीट मिली तो राउंड टू में आप उसको अपग्रेड कर सकते हो यह पहला मौका और राउंड टू में अगर आपकी सीट अपग्रेड हुई या नहीं हुई उसके बाद भी अगर आपको राउंड थ्री में अपग्रेड करना है तो आप कर सकते हो ठीक है तो ये दो बार जो है मौका अपग्रेडेशन का मिलता है आप एक सीट को राउंड वन की सीट को लेकर के राउंड थ्री तक ट्राई कर सकते हो सेम एमसीसी की पोर्टल पे कि आपको अपग्रेडेड सीट मिल जाए पहले अच्छा इसके बाद जो है वो ये अपग्रेडेशन की प्रोसेस हो गई एक बार जिसने रजिस्ट्रेशन कर लिया वो आगे की जो भी सबसिक्वेंट राउंड होगी उसमें दोबारा रजिस्ट्रेशन उनको नहीं करना है राउंड टू फ्री एग्जिट नहीं होती है राउंड टू फ्री एग्जिट नहीं होती है मतलब अगर आपको सीट मिली आपने उस सीट को छोड़ दिया तो आपको फाइन लगेगा फाइन क्या लगेगा पेनल्टी लगेगी क्या पेनल्टी लगेगी जो आपने सिक्योरिटी अमाउंट दिया है वो सिक्योरिटी अमाउंट आपकी फॉरफिट हो जाएगी हालांकि सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट करवाने के बाद आप दोबारा राउंड थ्री में दोबारा से रजिस्ट्रेशन uh, और सिक्योरिटी अमाउंट पे करके राउंड थ्री को आप अटेंड कर सकते हो बट अगर आपको राउंड टू में सीट मिली आपने उसको छोड़ा तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगी सिक्योरिटी अमाउंट कितनी है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए टू लाख रुपीज़ का इसके बाद जब हम राउंड थ्री में जाते हैं तो राउंड थ्री भी हमारे लिए कोई फ्री एग्जिट नहीं है अगर हमको सीट मिलती है तो हमको उस पर एडमिशन लेनी होगी अदरवाइज हम राउंड राउंड फोर में नहीं जा सकते और अगर हम उस सीट पर एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर हमारी अगेन सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो फॉरफिट हो जाएगी प्राइवेट प्राइवेट गवर्नमेंट के 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 लिए और के लिए के लिए लाख और का अब जिसको भी एक बार भी सीट मिल गई है वो स्टूडेंट फोर्थ राउंड में एलिजिबल नहीं होगा सो फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में सिर्फ वही स्टूडेंट एलिजिबल होंगे जिनको एक बार भी सीट अभी तक अलॉट नहीं हुई है सो फोर्थ राउंड में जाएंगे दोबारा से रजिस्ट्रेशन करेंगे जो है राउंड uh, फोर में वो राउंड फोर में दोबारा से फिर हम जाएंगे और राउंड फोर में जाकर के फिर हम Uh, जो है सीट के लिए ट्राई करेंगे करेंट okay, so रूल है, है अभी के अकॉर्डिंग अब एमसीसी काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग कैसे चलती है वो भी देख लेते हैं पहले एमसीसी काउंसलिंग स्टार्ट होगी इसकी राउंड वन कंप्लीट होगी उसके बाद फिर स्टेट्स की राउंड वन काउंसलिंग स्टार्ट होगी और कंप्लीट होगी जब स्टेट की राउंड वन काउंसलिंग खत्म होगी तो उसके बाद फिर एमसीसी के राउंड टू काउंसलिंग स्टार्ट होगी और खत्म होगी एमसीसी के राउंड टू काउंसलिंग स्टार्ट होकर के खत्म होने के बाद स्टेट की राउंड टू काउंसलिंग स्टार्ट होगी और खत्म होगी इसी तरीके से फिर उसके बाद एमसीसी की सो बैक टू बैक वो चलेगी राउंड वन पहले एमसीसी फिर राउंड वन स्टेट फिर राउंड टू एमसीसी फिर राउंड टू स्टेट फिर राउंड थ्री एमसी फिर राउंड थ्री स्टेट फिर राउंड फोर एमसीसी राउंड फोर्थ स्टेट इस तरीके से बैक टू बैक चलेगी सो राउंड वन में हमारे पास एक मौका रहता है कि एमसीसी में कोई सीट अगर हमको मिली है उसमें हमने एडमिशन भी ले लिया है तो स्टेट की राउंड वन काउंसलिंग देख सकते हैं कि आपको वहां पे जो सीट मिली है वो सीट जो है वो हमको लेनी है या नहीं लेनी है अगर लेनी है तो एमसीसी वाली सीट जो है वो हमें छोड़नी होगी वहां से जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे और जाकर के एम स्टेट की काउंसलिंग में जो है वो जाकर के एडमिशन लेना होगा सिमिलरली ये जो है ये करेंट की रूल है ये राउंड टू में भी आप कर सकते हो राउंड टू में भी ये एलिजिबिलिटी लास्ट ईयर तक थी बट क्या चेंजेस इस बार आ सकते हैं इस बार ये चेंज आ सकती है कि राउंड टू में अगर आपने एडमिशन ले लिया एमसीसी की राउंड टू में अगर आपको सीट मिली आपने उस पर एडमिशन ले लिया तो आप बाकी की काउंसलिंग की स्टेट बाकी स्टेट काउंसलिंग से आप बाहर हो जाओगे ये 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 जो रूल है ये इस बार आ सकती है चांसेस है आने के सो so, इस तरीके से जो है वो हमारी जब भी ब्राउशर आएगी तो उसमें ये रूल जो है वो मेंशन होनी चाहिए तो इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे आगे फिर डायनेमिकली देखेंगे और क्या क्या रूल आती है वो क्या किस तरीके से चेंज होते हैं राइट right? ओके डीम्ड डीम्ड है बॉन्ड और नॉट कुछ कुछ डीम बॉन्ड है बट हम लेंगे क्वेश्चंस को बाद में लेंगे पहले हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं सो इस तरीके से हम स्टेट्स और एमसीसी को मल्टीपल स्टेट्स और मल्टीपल एम सी मल्टीपल स्टेट्स और एम को साथ में हम देख सकते हैं कि हमको कहाँ सीट मिलती है कहाँ नहीं मिलती है ये चीजें अब इसके बाद जो है जब हम स्टेट्स में आते हैं तो स्टेट्स के हमको पता अलग -अलग है अलग अलग रूल है अलग अलग रूल है मतलब कर्नाटक के अलग रूल है वहां पे अलग सिक्योरिटी अमाउंट लगती है वहां सिक्योरिटी अमाउंट लगती नहीं है वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं 15 ओपन स्टेट्स हैं उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं ओनली फॉर प्राइवेट कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए हम उसमें अप्लाई नहीं कर सकते इन पे जो ओपन स्टेट्स की जो अब बात होगी वो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अभी फिलहाल इतना ही रहने देते हैं अगर कोई डाउट है तो आप एक एक करके पूछ सकते हो आ, पहले हम डाउट्स ले लेते हैं उसके बाद हम जब नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो उसमें ओपन स्टेट्स और स्टेट काउंसलिंग की बात करेंगे ओके सो एक, एक करके लेते हैं सबसे पहले हैं अंशिका प्रिया जी मैम प्लीज पूछिए क्या क्वेश्चन क्या क्वेरी है मैम क्वेरी बताइए प्लीज प्राजक्ता मैम प्लीज आप बताइए क्वेरी क्या है मैम अनम्यूट कीजिए एंड देन क्वेरी पूछिए ओके चलिए ये चैट पे आ रही है क्वेरी बट चैट से ज्यादा अच्छा रहेगा की हम ऐसे इस पे पूछेनो दूपी एम डी मेडिसिन मी यूर ने प्रिया अंशिका मैम ओके जहाँ पे लो फीस हो टॉक्सिटी कम हो एंड थोड़ा स्टाइपन ज्यादा हो मैम ये तो आपने यूपी के लिए बहुत बड़ी बात कर दी है लो मतलब स्टाइपेंड ज्यादा हो ठीक है मतलब ठीक है ठीक है मैम देखो कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जैसे कि राममूर्ति बदेली है जो कि सबसे अच्छी जहाँ पे पेशेंट हो सबसे अच्छा है आप सुबहती को मान के चल सकते हो लेकिन कंडीशंस भी देखनी होगी कि वहाँ पे कोर्ट केस भी चल रही है सुभाती की फीस अभी फिलहाल सबसे कम है फोर्टीन लाख ,00 की फीस है बट वहाँ पे जो है वो ऐसा कुछ टॉक्सिसिटी तो नहीं है बट वहाँ पे पेनल्टीज वगैरह जो है वो मैनेजमेंट देखती है लेती है और प्लस वहां पे कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं फीस को बढ़ाने को लेकर के जो पिछले छह सिक्स ईयर से वो चीजें चल रही है तो अभी तो कुछ क्लैरिटी है नहीं कि वो होगी या नहीं होगी मुझे लगता है नहीं हो पाएगी उसकी फीस नहीं बढ़ेगी सो so, सुभरती एक कॉलेज है थर्ड कॉलेज आप रोहिलखंड रख सकते हो फोर्थ कॉलेज आप uh, मुजफ्फरनगर रख सकते हो डिसेंट कॉलेज है अच्छी मैनेजमेंट है मेडिसिन के लिए हिंद बाराला बाकी बहुत अच्छी कॉलेज है, है बहुत अच्छा उनका मैनेजमेंट है बहुत विजनरी मैनेजमेंट है सुबह फिर शारदा को आप रख सकते हो शारदा हालांकि नोएडा में है उसकी कट ऑफ काफी ऊपर जाती है इसका बेसिक रीजन ये है कि वो दिल्ली के पास है इस वजह से उसके कट ऑफ हाई जाती है बट अगर आप कंपेयर करोगे तो इन कॉलेजेस से अच्छी शारदा नहीं है ठीक है इसके अलावा आप देखोगे तो डिसेंट कॉलेजेस में जो है वो एक केडी मथुरा भी है जिसको मैं अच्छा रेट करता हूँ, डिसेंट कॉलेज है अच्छी कॉलेज है थोड़ी सी फीस अगर आप हाई में जाओगे तो एदा मेडिकल कॉलेज जो लखनऊ की है तिथांकर है तिथांकर महावीर जैन जो कि मुरादाबाद में है ये कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं हालांकि ये जरूर है कि पांच से छह महीने यहाँ पे कैंप्स वगैरह लगती है जैसे कि जीएस एस हापुर हो गई सरस्वती हापुड़ सरस्वती हापुड़ भी डिसेंट कॉलेज है जीएस हापुर होगी रामा हापुर होगी रामा कानपुर एक डिसेंट कॉलेज है पुरानी कॉलेज है इनमें मेडिसिन की आपको थोड़ी ठीक ठाक जो है वो आ, ये ब्रांच मिल जाएगी और टॉक्सिसिटी वगैरह तो इसमें है ही नहीं तो उसको लेकर के तो रामा कानपुर की मैनेजमेंट कैसी है उसमें ज्यादा कुछ नहीं अच्छी, अच्छी, अच्छी है अच्छी रामा कानपुर की मैनेजमेंट अच्छी है टॉक्सिसिटी नाम की ऐसी कोई चीज है नहीं सीखने को मिलता है ठीक है काफी पुरानी कॉलेज है जी ओके okay. सिद्धांत सर प्लीज क्या क्वेरी थैंक यू मैम प्लीज म्यूट कर लें आप खुद को सिद्धांत सिद्धांत सर प्लीज पूछिए सर क्या क्या क्वेरी है म्यूट कीजिए पूछिए प्राजक्ता मैम डू यू हैव एनी क्वेरी ओके

कर्नाटक uh, केरला ये कुछ स्टेट्स हैं जो ये बेनिफिट देती है बट इसके अलावा बाकी के स्टेट्स ये बेनिफिट नहीं देती जैसे राजस्थान हरियाणा सॉरी uh, राजस्थान हिमाचल प्रदेश uh, uh, फिर उसके बाद आपका उत्तराखंड ये वो स्टेट्स हैं यूपी बिहार वेस्ट बंगाल ये वो वेस्ट बंगाल देती है uh, वेस्ट बंगाल देती है हाँ तो ये कुछ स्टेट्स हैं जो कि ये बेनिफिट नहीं देती अगर आपने वहां से उस स्टेट से या महाराष्ट्र वो उस स्टेट से आपने एमबीबीएस नहीं किया है तो आपको वहां का स्टेट कोटा नहीं मिलेगा ओके स्निग्धा मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेरी स्निग्धा मैम प्लीज गो है पूछिए मैम ओके आशुतोष सर आशुतोष सर अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेरी सर ओके अ ये नेक्स्ट है डॉक्टर गेटसुगा ये कौन है सर आप प्लीज अपनी क्वेरी पूछिए अनम्यूट कीजिए क्वेरी पुछे. शिवानी मैम पूछे क्वेरी पूछे मैम शिवानी मैम मोहना मैम प्लीज योर क्वेरी अनम्यूट कीजिए मुझे वही पूछना था उसके बाद नहीं है राउंड थ्री तक ही अपग्रेडेशन है सो वन की सीट को लेके टू में अपग्रेड कर सकते हैं टू की सीट अपग्रेड हुई नहीं हुई जो भी हुआ उसको आप फर्दर अपग्रेड राउंड थ्री में कर सकते हो बट उसके बाद राउंड फोर में आप एलिजिबल नहीं ठीक है, okay. uh, शिवानी मैम पूछिए मैम क्वेश्चन है ना वो लैंग्वेज में फॉर्मेट वही है लेकिन इंग्लिश तो नहीं, नहीं, मैम नहीं, 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 नहीं आपको मान लो आपको अगर वहां पे मिलता है महाराष्ट्र में मिलता है तो फिर ठीक है ठीक है बट हाँ. तो उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के रखो उसकी एक कॉपी इंग्लिश में भी रखो आप ओके ओके थैंक चलो हाँ थैंक यू मैम श्रेयस प्लीज पूछिए पूछिए सर क्वेश्चन हेलो यस यस सर बताइए हाँ सर मुझे पूछना था कि यूपी में एमडी पीडियाट्रिक्स के लिए कौन सी कॉलेजेस अवेलेबल होगी सिक्सटी नाइन थाउजेंड रैंक पे सर आपको पॉसिबिलिटीज़ की लिस्ट गई होगी आई होप सभी कोई को पॉसिबिलिटीज की लिस्ट चली गई होगी सिर्फ एक दो या तीन चार ही स्टूडेंट होंगे जिनको पॉसिबिलिटीज की लिस्ट नहीं गई है प्लीज़ उसको आप ये कीजिए एक बार चेक कीजिए सर प्लीज़ चेक कीजिए और अगर उसके बाद भी आपको ऐसा कोई ब्रांच लगता है कि आपको ऐड करने करना है या आपको ऐड करवाना है तो आप मुझे उसके बाद कॉल कीजिए सर अभी प्रदेश ले, ले लेते हैं ठीक है जी सर गेट कौन है सर प्लीज हाँ सर, मैं श्रेयसी हूँ सर मैंने आपने जो लिस्ट भेजी है उसमें मैंने देखा है तो मुझे जो कॉलेजेस प्रीवियस ईयर के हिसाब से मिल रही है ना उसके नाम नहीं थे तो वो नाम मैंने यहाँ लिखे है तो उस कॉलेजेस के बारे में पूछना चाहता हूँ जैसे कृष्ण मोहन मथुरा करके एक कॉलेज है, नहीं है।, है? नहीं है। हाँ तो वहां मुझे पिछले साल सिक्सटी एट थाउजेंड रैंक पे स्टॉप हुआ था एमडी पीडियाट्रिक्स तो वहां का हाँ तो वो इस साल मुझे चांस होगा वहां मिलने का सर करंट सिनेरियो बहुत टफ है यूपी की करंट सिनेरियो बट सीट्स बढ़ने के बाद ये चांसेस भी होंगे इस पे चेंजेस भी आ रहे हैं काउंसलिंग में तो ऑब्वियसली चांसेस रहेंगे बट वो वो एनालिसिस जो है वो हम कर रहे हैं सर ठीक है वो देखे हम धीरे धीरे जैसे भी हमको इन्फॉर्मेशन आ रही है वो उन सभी चीज पे हम एनालिसिस अपने एंड पे कर रहे हैं so वो जो भी चीजें होंगी ना वो टाइम आने पे आप लोगों को बताया जाएगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ठीक है अभी फिलहाल करेंट से क्योंकि कोई कॉन्सोलिडेटेड अभी तक डेटा नहीं आई है इस वजह से किसी कंक्लूजन पे पहुंचना मुश्किल हो रहा है ठीक है ना ही सीट कितनी बढ़ रही है वो आई है ना ही किसी और स्टेट्स की फीस वगैरह क्लियर हुई है तो इस वजह से जो है किसी कंक्लूजन पे पहुंचना मुश्किल होता है बट हम चीजों को देख रहे हैं ट्रैक कर रहे हैं आपको श्योर बताया जाएगा सभी को बताया जाएगा सो so, जो पॉसिबिलिटीज लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे ठीक है ओके okay, 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 वगीशा मैम प्लीज अन म्यूट योर से

जी 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 मैम देखो आप अगर ऑफिशियली जाओगे ना एकदम बाय लीगल लीगल लॉ के अकॉर्डिंग तो एमसीसी कहती है यू हैव टू रिफंड द फीस विद इन टू डेज ठीक है एमसीसी का कहना है हालांकि ये लिखा हुआ नहीं होता है ठीक है बट अगर आप उनके ये देखोगे ब्राउज़र्स देखोगे तो उसमें सेवन डेज टू फिफ्टीन डेज या वन मंथ तक की वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी है ना कि मतलब जो अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगा सेवन डेज ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको उसमें वो आप आप उससे डर भी जाओगे कि सेवन डेज में अगर हमको वापस मिलेगा और हमको एडमिशन लेनी है तो हमारे पास तो तीन चार दिन ही होंगे मतलब कि हमको डबल द अमाउंट जो है वो हमको अरेंज uh, करके रखनी होगी विच इज अग डील है ना सो so, होता क्या है कि सेवन डेज वो लिखने के लिए है दो दिन एक दिन में ही वो रिफंड कर देते हैं लेकिन कुछ कुछ कॉलेजेस हैं जैसे कि हमदर्द हुई वो जो है वो फिफ्टीन डेज का लिखती है और वो इस चीज को फॉलो भी करती है ठीक है तो कुछ कुछ कॉलेजेस हैं जिसमें फिफ्टीन डेज लिखे हुए हैं जिसमें फिफ्टीन डेज लिखे हुए हैं उन कॉलेजेस से थोड़ा सा बच के रहना है उन कॉलेजेस के लिए आपको जो एक और फीस जो है वो अरेंज करके रखनी है क्योंकि आप यू नेवर नो उस टाइम में आपको वो क्या बोलें। वो क्या बोलेंगे डेज के बाद आएगी तो फिफ्टीन डेज के बाद आएगी पच्चीस लाख पचास लाख पच्चीस लाख तीस लाख रुपए की फीस है मतलब अब वो सेवन डेज के बाद आएगी तो हमको डबल द अमाउंट एक और ईयर की फीस जो है वो अरेंज करके रखनी होगी तो ऐसा हो सकता है बट जनरली क्या होता है ये चीजें होती नहीं है एक से दो दिन में जैसे आप Uh, अपनी जो ये है अपनी जो आई मीन कैंसिल कराते हो एडमिशन को रिजाइन देते हो तो वो फीस आपको जनरली दे देते हैं ठीक है ओके मोट्रोला एच प्लीज अनम्यूट योर सर मोट्रोला एच दिव्या मैम पूछिए मैम क्वेश्चन पूछिए अनम्यूट कीजिए क्वेश्चन पूछिए दिव्या मैम डॉक्टर ए कौन है खुद को अनम्यूट कीजिए एंड क्वेरी सर डॉक्टर ए ओके व्हाट आर द बॉन्ड्स ऑफ हैव एनी बॉन्ड मैक्सिमम बॉन्ड एक साल की है डीम्ड में जो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो है वो महाराष्ट्र के हैं जैसे डीवाई पाटिल वगैरह हैं उनमें एक एक साल की बॉन्ड है साउथ के तमिलनाडु के कॉलेजेस हैं जिसमें एक एक साल की बॉन्ड है वो कंप्लीट लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी कि किसमें एक एक साल का बॉन्ड है बाकी जनरली बॉन्ड नहीं होती है कुछ कुछ कॉलेजेस हैं जिसमें एक एक साल की बॉन्ड है एनी अदर क्वेरी सर नो थैंक यू ओके ओके कौशिक सर प्लीज पूछिए कौशिक सर क्वेश्चन पूछिए मेरा ये सवाल था कि जो एक पर्टिकुलर कॉलेज है मेरा ठीक है वो ऑल इंडिया परसेंट कोटा में भी आ रहा है और स्टेट काउंसिलिंग के थ्रू भी आ रहा है ठीक है mm -hmm. अब बात ये रहा कि स्टेट काउंसिलिंग का जो फीस है टाइम ऑफ काउंसिलिंग मैं क्या जब मैं ऑल इंडिया काउंसिलिंग के थ्रू भी जो कॉलेज डालूंगा वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भी सेम कॉलेज डाल सकता हूँ क्या

तो कहने का क्या मतलब होता है कि राउंड वन ऑल इंडिया की रिजल्ट आने के बाद ही आपकी स्टेट की time of all India अगर मेरे को, मेरे को मिल गया है ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू और मेरे को स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भी एक बार देखना है कि वो उस रैंक में मेरे को मिल रहा है कि नहीं क्योंकि स्टेट काउंसलिंग का रैंक थोड़ा कम हो जाता है ना प्रेफरेंस

तो अब तो आपको वहां पे पहले एडमिशन तो ले लेनी होगी यू डोंट नो ना कि आपको क्या, क्या, क्या मिलेगी नहीं मिलेगी क्या होगा तो पता <laughs> नहीं तो आपने एडमिशन ले लिया ना वो जो है वो आपको टाइम देंगे वो दे विल गिव यू द टाइम यूम अच्छा ठीक है आपने एडमिशन अगर ले भी लिया है तो फिफ्थ अक्टूबर तक आप छोड़ सकते हो या सिक्स अक्टूबर तक आप छोड़ सकते हो यू विल नॉट बी चार्ज एनीथिंग वो आपकी फीस वापिस होगी और आप जाके एडमिशन लोगे ठीक है एडमिशन हमको उन्हीं के कॉलेज लेना मतलब दूसरे फ्रॉम स्टेट काउंसिलिंग उसी कॉलेज में लेना है मेरे को सेम मैं वही पूछ रहा था उसी कॉलेज में है बट प्रोसेस अलग, रहेगा. आचा, आचा, अलग हाँ। रहेगा तो आपको कम्प्लीटली सेपरेट चीजों के आपको पहले एम सी सी से सीट मिली तो आपने एमसीसी में एडमिशन ले लिया ठीक है अब आपको स्टेट से सेम से कॉलेज मिली तो एमसीसी को आपको इन्फॉर्म करना होगा ना कि ये आप हम रिजाइन कर रहे हैं क्योंकि हमको स्टेट से सीट ले तो वो पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है जी यूसुफ सर प्लीज पूछिए सर क्या है अनम्यूट कीजिए पूछिए पूछिए, कुछ सवाल क्वेश्चन पूछिए। यूसुफ सर एनी क्वेरी अच्छा अभिषेक सर अभिषेक सर पूछिए अभिषेक डॉक्टर अभिषेक कुमार अनम्यूट कीजिए क्वेश्चन पूछिए हाँ मैं पूछ रहा था कि यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस का कुछ लिस्ट आप बनाओ जिनका ओपीडी एवरेज विजिट क्या होता है एक तो आपकी आवाज बहुत ज्यादा इको हो रही है दूसरी बात मुझे जो समझ में आया आपको यूपी के कॉलेजेस की लिस्ट चाहिए राइट ओपीडी विजिट क्या होता है एवरेज डोंट वरी सर वी विल प्रोवाइड दैट डोंट वरी डोंट वरी आप जो अपनी क्वेरी है वो व्हाट्सएप कीजिए सर ओके ठीक है व्हाट्सएप कीजिए आपको मिलेगी ठीक है और कोई डाउट है आज के रिलेटेड मैंने व्हाट्सएप किया सर आपकी वॉइस बहुत इको हो रही है आपने व्हाट्सएप किया था नहीं, नहीं, नहीं। मिल जाएगी सर वो प्रिपेयर भी करना होता है ना उसको वो मिलेगी ठीक है आपको आइडिया लग जाएगा क्या ओपीडी आईपीडी है आपको आइडिया लग जाएगा डोंट वरी ओके ओके ठीक है डॉक्टर आईफोन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ आईफोन कौन है जो भी है प्लीज खुद को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिएवो वी ट्वेंटी थ्री वन फाइव अनम्यूट कीजिए क्वेश्चन थ्री वन फाइव शुभांका सर प्लीज क्वेश्चन पूछिए शुभांका सर शुभांका जी मुझे पूछना था कि राजस्थान और उत्तराखंड में

सर कोई और डाउट ओके शंखा सर प्लीज पूछिए क्वेश्चन पूछिए शंखा सर अनम्यूट कीजिए क्वेश्चन पूछिए देख रहे हैं। सर आपकी वॉइस इको हो रही है आप प्लीज देखिए थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए या फिर क्वेरी है तो आप पूछिए सर आईफोन आप अनम्यूट हो आपके पास कोई क्वेरी है तो आप पूछिए डाउट्स को क्लियर कीजिए प्लीज हेलो uh, सर जी सर मैं मैं शंकाधित हूं शंकर सर बताइए बताइए सर मैं पूछना चाहता हूं कि जनरल सर जी में यूपी और वेस्ट बंगाल में हैंडसन प्राइवेट कॉलेज में हैंडसन कहां पे ज्यादा मिलेगा सर कॉलेज वाइज डिटेल्स डिस्कशन हम करेंगे सर अभी पहले काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर के आपको कोई डाउट है डाउटे सर नो 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 ठीक है क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं और ऑलरेडी कितने ओके 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 ठीक ठीक है 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 हो चुका ना समझ रहे कोई वेट कर तो इस पे जो भी जो भी कॉलेज वाइज जो भी चीजें है ना आप कॉल कीजिए कॉल पे पूछिए या जो कुछ मांगना है आप मैसेज कीजिए ओके जी जी ओके कोई और डाउट नहीं देवराज सर प्लीज अनम्यूट कीजिए क्वेश्चन पूछिए देवराज आचार्य तो में सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थोड़ा ऊंचा बोलेंगे सुन पा रहे जी बोलिए बोलिए सर पियर्डले हॉस्पिटल जो है कोलकाता में उसका जनरल सर्जरी का हैंड्स ऑन वो जो अच्छा है हम्म अच्छा है पीएलएस का अच्छा है वेस्ट बंगाल वाली बोल रहे हो ना आप जी जी हैंड्स मिलती भी है वो अच्छी भी है सर अच्छा और उधर डीएनबी का कॉलेज है वेस्ट बंगाल में उसके मतलब तो अच्छा आ, कौन सा रहेगा डीएनबी में कौन सा अच्छा रहेगा सर मैसेज कीजिए सर अभी आज के सेशन जो काउंसलिंग सेशन काउंसलिंग प्रोसेस पे हमने डिस्कशन किया डॉक्यूमेंट्स पे हमने डिस्कशन किया उसमें कोई डाउट है तो प्लीज आज पूछ लो और जो कॉलेजेस रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए आप फोन करो मैसेज करो हम उसपे डिस्कशन करेंगे ठीक है, है? जी जी और शुभांक सर हो चुका कशिश गुप्ता कशिश मैम पूछिए क्वेश्चन पूछिए मैम कशिश गुप्ता कशिश मैम प्लीज क्वेश्चन पूछिए आकाश गुप्ता प्लीज क्वेश्चन आकाश सर सर मैंने व्हाट्सएप किया वाले एक बार करके करके बता बता देंगे ना मुझे। वो थोड़ा तो फ्री होकर के ठीक है? है okay. जी। SM Galaxy, कौन है? खुद को म्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए सैमसंग सर कौन कौन बात कर रहे हैं सर कौन बोल रहे हैं बता दीजिए में, डॉक्टर डॉक्टर मयंक सर फिफ्टीन ओपन स्टेट्स हैं ठीक है नॉर्थ में आप आएंगे तो हिमाचल प्रदेश हरियाणा उत्तराखंड राजस्थान बिहार उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल ये नॉर्थ में हो गई नॉर्थ में, में सर नॉर्थ में हाँ तो ये ही है छह सात जो स्टेट्स हैं वो एम पी भी ओपन स्टेट है बट उसको आप मान के चलो कि वो क्लोज है अगर आपने वहां से एमबीबीएस या फिर एमडीएमएस ये एमबीबीएस वहां के रहने वाले हो डोमिसाइल वहां के कहा का, का है तो फिर बेनिफिशियल है या फिर अगर आपको लोअर क्लिनिकल चाहिए ऑप्थल ऑपथल सेक्रेटरी तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ठीक है छत्तीसगढ़ तो 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 छत्तीसगढ़ का भी सेम है जी हिमाचल ओपन स्टेट है है सर क्लोज स्टेट ओपन 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 है सर ओके ओके पंजाब 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 भी ओपन है लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी वहीं के स्टूडेंट को दी जाती है वहां पे भी बहुत चीजें चलती है जैसे कि आदर, आदेश है तो उसमें इंटरनल कोटा लगता है सिख माइनॉरिटी कॉलेज है उसमें भी सिख माइनॉरिटी परसेंट सीट होती है डीएमसी सीएमसी हाई ग्रेडेड कॉलेजेस है फर्स्ट बेनिफिट uh, जो है वो वहां के स्टूडेंट को देते हैं सो पंजाब को भी ऑलमोस्ट आप ना मान के चलो ओके सर सर थैंक यू ठीक है जी ओके निखिल बोधा प्लीज क्वेश्चन पूछिए पुछे सर निखिल सर सर गुजरात भी ओपन स्टेट है ना सर नहीं सर गुजरात ओपन नहीं है गुजरात क्लोज स्टेट है जिन्होंने वहां से जो वहां के रहने वाले हैं और जिन्होंने अपनी एमबीबीएस वहां से की है सिर्फ ये दो स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होंगे ओके सर थैंक यू ओके सर ओके फाइन थैंक यू सो मच सर ओके ये मोटरोला कौन है प्लीज अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए मोटरोला दातिर मयूर सर मयूर दातिर प्लीज क्वेश्चन पूछिए सर अमोल मोदे अमोल सर क्वेश्चन पूछिए हेलो जी अमोल सर पूछिए सर बताइए सर अगर मेरे पास एमपी का डोमिसाइल है पर एमबीबीएस मैंने महाराष्ट्र से किया है तो क्या मैं एमपी से पार्टिसिपेट कर सकता हूँ बिल्कुल कर सकते हो सर आप सेकंड प्रायोरिटी में आओगे बिल्कुल वहां का स्टेट कोटा का बेनिफिट आप ले सकते हो और यहाँ से भी मिल जाएगा महाराष्ट्र से महाराष्ट्र मिलेगा क्योंकि वहां से आपने एमबीबीएस किया है ना हाँ तो बस दोनों स्टेट का बेनिफिट मिलेगा आपको ओके थैंक यू सो मच सर आई टेन प्लीज क्वेश्चन पूछिए ग्रैंड आई टेन कोई डाउट है तो प्लीज क्वेश्चन पूछिए कुनाल लांजे सर कुणाल सर प्लीज क्वेश्चन पूछिए सर अमोल अमोल सर म्यूट कर दीजिए प्लीज कुणाल सर क्वेश्चन पूछिए ओके okay. किसी का क्वेरी और है जस्ट मोमेंट दीपक सर क्वेश्चन पूछिए दीपक सर क्वेश्चन पूछिए प्लीज NK कौन है 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 नम्रता मैम मैम या निकिता है? जो भी हाँ जी, लिस्ट। हाँ जी, जी, वो कि वो एनएमसी पे धीरे धीरे अपडेट करते थे ठीक है बट इस बार वो भी अपडेट नहीं होती है सो एनएमसी पे भरोसा कर नहीं सकते वो धीरे धीरे वो सीट मैट्रिक्स आएगी उसके बाद ही पता चलेगा वैसे आपको इंस्टेंटली नहीं पता चलेगा क्योंकि कहीं की कुछ सीटें आएंगी कहीं की कुछ सीटें आएंगे दो स्टेट्स का अलग अलग डोमिसाइल या जो भी है बट हमें बाकी के सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में uh, काउंसलिंग करनी है तो वो कैसे होता है मैम देखो जो सेमी आप दूसरे स्टेट की सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो पहले एलिजिबल नहीं हो ठीक है दूसरी बात है जो ओपन स्टेट्स हैं उनके प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ही आप एलिजिबल हो अब वो ओपन स्टेट्स कौन कौन से हैं जो मैंने फिफ्टीन स्टेट बताए नॉर्थ वाले और साउथ में कौन कौन से हैं साउथ में आपका हो गया आंध्र तेलंगाना तमिलनाडु कर्नाटका पाण्डिचेरी ये साउथ के कॉलेजेस हैं प्लस नॉर्थ के जो मैंने बताया आपको नॉर्थ के कौन कौन से हैं हिमाचल हरियाणा उत्तराखंड बिहार यूपी वेस्ट बंगाल देन और कोई स्टेट रह गया क्या MP जो कि ऑलमोस्ट क्लोज है बट लोअर क्लिनिकल के लिए अगर देखना चाहते हो तो वो आपको मिल सकती है छत्तीसगढ़ भी ओपन है फॉर लोअर क्लिनिकल के लिए आपको बेनिफिट मिल सकती है कोई स्टेट मेरे ख्याल से रहा तो नहीं है राजस्थान okay. राजस्थान एक स्टेट है so, ये पंद्रह स्टेट्स जो हैं इनके लिए आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल नहीं कंट्री okay. हाँ डीएनबी अगर आप इन सर्विस से बिलोंग करते हो तो आप अपने स्टेट की जो स्टेट कोटे में डीएनबी आती है तो आप एलिजिबल हो अदरवाइज अगर आप इन सर्विस नहीं हो तो ऑल इंडिया में जो डीएनबी आती है आप उसके लिए सिर्फ एलिजिबल हो सारी सो मच okay, so so दीपक सर पूछे क्वेश्चन पूछे सर दीपक लो, आ, आ, कुमार दीपक सर ओके okay, सैमसंग एस एम ई वन थर्टी फाइव एफ क्वेश्चन पूछे सर राजस्थान में डीम्स एमबीबीएस करने के बाद जो स्टेट का गवर्नमेंट कोटा है क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ राजस्थान में कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है सर निम्स की शादी प्राइवेट है एक भी कॉलेज वहाँ पे डीम्ड नहीं है ओके 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 एंड सर वन लास्ट थिंग जब डीम में एडमिशन हो जाता है तो फीस डिपोजिट के लिए कितना टाइम मिलता है सर वही जो फाइव टू सेवन डेज का टाइम आपको मिलेगा ना एडमिशन प्रोसेस के लिए उसी okay. में आपको फीस डिपॉजिट करनी है ओके 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 थैंक यू सर पूरी फीस करनी होती है ठीक है okay. जी दिव्या मैम दिव्या आईपैड प्लीज पूछिए मैम क्वेश्चन पूछिए uh, सर दो क्वेरी हैं मैंने बोला कि आप एक स्टेट में रहते हो मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर जी बोलिए बोलिए मैम मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही बिल्कुल मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है दिव्या मैम आपको आवाज आ रही है मैम मुझे बिल्कुल भी आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल नहीं दिव्या मैम

आवाज नहीं राजस्थान राजस्थान नहीं देती है मैम राजस्थान नहीं देती है नहीं देती है सर नहीं नहीं, नहीं बात, अभी आपने एक बात कही कि राउंड किसी भी राउंड में अगर हम सीट छोड़ देते हैं तो सिक्योरिटी फोर फीट हो जाएगी किसी भी राउंड में नहीं राउंड टू से राउंड वन हाँ, में नहीं राउंड वन हाँ, तो फ्री एग्जिट है राउंड टू में सिक्योरिटी फोर फीट हो जाएगी

राजस्थान में आप कर सकते हो गुजरात में आप कर सकते हो गुजरात में भी अगर आपने राउंड टू में सीट छोड़ी तो आप गुजरात के थर्ड राउंड में नहीं जा सकते हो ठीक है okay. कर्नाटक में है कि राउंड टू में आपने सीट छोड़ी तो राउंड थ्री में नहीं जा सकते हो सो स्टेट में अगर हम बेसिकली देखें ना तो ये है कि राउंड टू वाली सीट आप, आप छोड़ो तो राउंड थ्री तो तो में नहीं जा सकते महाराष्ट्र छोड़ के ओके एंड व्हाट अबाउट ऑल इंडिया कोटा एमसीसी ऑल इंडिया कोटा में जा सकते हैं कोई इशू नहीं है मतलब अगर सीट छोड़ भी दी सेकंड राउंड में तो थर्ड राउंड में अगेन वी कैन पे द फीस एंड अगेन वी कैन रजिस्टर आवरसेल्फ राइट 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 मैम ओके थैंक यू सो थैंक यू मैम हेलो गुलशन जी हेलो हेलो गुलशन जी आवाज आ रही है जी बोलिए सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना है तो प्राइवेट कॉलेज का दो लाख और गवर्नमेंट कॉलेज का पच्चीस हजार तो दो लाख पच्चीस जमा करना है क्या नहीं 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 जब आप हायर अमाउंट पे करते हो ना दो ही सिक्योरिटी फीस है या तो पच्चीस हजार या तो दो लाख जब आप हाई सिक्योरिटी फी पे करते हो तो उसमें लोअर वाले सभी आ जाते हैं अच्छा तो, तो आप दो लाख करोगे तो पच्चीस हजार तो वाले सभी आ जाएंगे उसमें अच्छा तो मुझे मतलब दो लाख करने से सभी आ जाएंगे ऐसा है ना कि दो लाख पांच हजार रुपए का जाएगा बस उसमें साधे आ जाएंगे अच्छा जी और ये आ, ये टीएस टीएस मिश्रा कॉलेज टीएस मिश्रा लखनऊ और हापुर कैसा कॉलेज है रमा 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 हापुर किस ब्रांच के लिए सर डर्मा या रेडियो के लिए डरमा या रेडियो के लिए सर देखिए यूपी में मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो है वो बहुत अच्छे नहीं है अगर आप बहुत अच्छे कॉलेजेस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको निराशा हाथ लगेगी नहीं, रामा हापुर रामा हापुर ठीक है और एक कौन सा कॉलेज बोला टीएस मिश्रा वो भी ठीक है मतलब ये सब राइजिंग कॉलेज है सर आगे आने वाले टाइम में ये काफी अच्छा करेंगे जैसे लखनऊ बेल्ट में आप देखोगे तो अगर वहां नॉन माइनोरिटी कॉलेजेस में देखें तो टीएस मिश्रा सबसे अच्छा है अच्छा ठीक है ठीक है फिर हापुस हाँ। वाली बेल्ट में अगर हम देखें तो रामा हापुड़ सबसे पुरानी है सर, वो अच्छी है एक सरस्वती हापुड़ भी ज्यादा अच्छी है ठीक हाँ। है लेकिन बहुत अच्छी बोलेंगे तो वो नहीं है अच्छा एरा, 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 नंबर आई थिंक एमपी यूपी का वो, वो भी है सर वो चीजें फोन पे बात करेंगे दीपक सर वेट कर रहे हैं भी ठीक है ना और डिस्कशन हम लोग किसी और दिन करेंगे ओके शिवानी मैम बोलिए मैम शिवानी मैम क्वेश्चन पूछिए हाँ हेलो सर वो अगर हमें ए आई क्यू से में मिली और हमने एडमिशन जाके नहीं लिया तो हम स्टेट के लिए वो सिक्योरिटी डिफॉल्ट हो क्या मतलब स्टेट राउंड राउंड के लिए आप एप्लीकेबल होते या नहीं होते 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 अगर आपने एडमिशन ले लिया तो हो सकता है इस बार ये रूल आ जाए कि आप स्टेट के लिए एलिजिबल नहीं हो गए लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग तो आप हो अभी भी एलिजिबल हो अगर आपने राउंड टू में भी एडमिशन ले लिया ऑल इंडिया के तो भी आप एलिजिबल हो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बट ऐसा हो सकता है इस बार कि अगर आपने एडमिशन इस बार ले लिया राउंड टू में ऑल इंडिया के राउंड टू में तो आप स्टेट के राउंड टू में एलिजिबल नहीं होगी ओके okay, okay. और तो, बट अगर आपने एडमिशन नहीं लिया सिर्फ आपको अलॉट हुई है आपने प्रॉफिट छोड़ दी तो आप एलिजिबल हो स्टेट के राउंड और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जाएगी फिर से हमें वो तो है ना फ्री एग्जिट तो है नहीं राउंड टू वो तो जाएगी हाँ, तो स्टेट राँ... स्टेट के के राउंड लिए फिर पच्चीस हजार भरने पड़ेंगे मैम स्टेट स्टेट का 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 अलग है एमसीसी हाँ. का अलग है जब आपने एमसीसी की राउंड टू में आपको सीट मिली आपने उसमें फॉरफिट करा लिया आई मीन उसमें आपको सीट मिली आपने उसको छोड़ दिया राउंड टू में तो वो तो आपकी फॉरफिट हो गई

कशिश गुप्ता मैम कशिश गुप्ता प्लीज गो अहेड मैम ओके मयंक सर प्लीज क्वेश्चन पूछिए मयंक सर मैं भी एक्चुअली वही क्वेश्चन था कि अगर बाय चांस मतलब मेरे को ऑल इंडिया कोटा में एक सीट अलॉट होती है बट सिंस प्राइवेट कॉलेजेस की फीस कम है तो आई एम वेटिंग फॉर राउंड ऑफ स्टेट कोटा लाइक उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस का मैं वेट कर रही हूँ तो मुझे वो ऑल इंडिया कोटा वाली फीस जो सीट है डीम्ड वाली वो छोड़नी पड़ेगी क्या मैम राउंड टू टोटल इस बार ये रूल आ सकती है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अभी तक जो रूल है उसमें आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है ठीक है बट न्यू रूल में ये चेंजेस आ सकती है अच्छा तो फिर वो आप इन्फॉर्म कर देंगे एग्जैक्टली मैम एग्जैक्टली ओके ओके थैंक यू जी थैंक यू सो मच मैम मयंक सर क्वेश्चन पूछे मयंक सर मयंक सर क्वेश्चन पूछे मयंक सर हेलो सर जी जी सर मेरा ये डाउट था जो बॉन्ड होता है डीन यूनिवर्सिटी में उसमें जो okay. सैलरी होती है जो पीजी को स्टाफन मिलते वही होती है जो सीनियर डॉक्टर को मिलती है सैलरी वो होती है बॉन्ड बॉन्ड में नहीं नहीं वो अलग रहती है सर सैलरी उनकी अलग रहती है ये पीजी वाली तो आपकी ये हो गई स्टाइपेंड हो गई वो स्टाइपेंड नहीं होती वो तो आप उसमें जॉब कर रहे हो ना तो जो वहां के डॉक्टर्स की सैलरी देगी वो सैलरी उससे थोड़ा कम जो भी रहता है वो रहेगी ओके ओके थैंक यू ठीक है जी okay, जी okay. दीपक सर कोई क्वेश्चन है क्या पूछिए हो गया बस शुक्रिया हो गया कौन से बात करेंगे आप कॉल तो करो हेलो हेलो गेट सुगर टेंस कौन है क्वेश्चन yeah. पूछिए अगर कोई क्वेश्चन है तो हेलो जी जी पूछिए सर हाँ ये सपोज कि हमको तीन स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना है ठीक है और एक ऑल इंडिया के लिए कराना है ठीक से से है से रोका जाए। uh,

क्या क्या आशुतोष सर कोई क्वेरी है प्लीज पूछिए आशुतोष सर मयूर सर कोई क्वेरी है तो पूछिए मयूर सर रातर मयूर दिव्या आईपैड कोई क्वेरी है प्लीज पूछ, पूछ सकते हैं ग्रैंड आईटेन कोई क्वेरी है को पूछ सकते हैं किसी के पास कोई क्वेरी नहीं है दीपक सर सर पूछिए पूछिए। आप प्लीज कॉल कर लीजिएगा बात कर लीजिएगा ठीक है चलिए अब ये इनिशिएटिव हमने ले लिया है ये अब मीटिंग्स जो है वो रेगुलर बेसिस पे चलते रहेंगे और आपके डाउट्स जो है वो डेली बेसिस पे क्लियर होते रहेंगे गुड नाइट गाइस गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट 那真的。